हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार, हरियाणा स्पोर्ट्स की टीम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंडबॉल के स्टार विंगर राजेश की। राजेश का जन्म 8 जून 1993 गांव दनाना में हुआ। इनके पिता का नाम अमरनाथ है। इनकी माता का नाम श्रीमती राजबाला है। राजेश की हाइट कम होने के कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हाइट कम होने के कारण उन्हें प्यार से मुर्गी भी बुलाते हैं। मुर्गी गांव दनाना से बिलोंग करते हैं। दनाना गांव हिंदुस्तान का ऐसा गांव है जिसने हिंदुस्तान को कई स्टार खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें विनोद गाठा, मंजीत मोगा, रोनाल्डो और संजय गांधी जैसे स्टार खिलाड़ी दिए हैं। तो आइए जानते हैं मुर्गी की लाइफ के बारे में। मुर्गी ने हैंडबॉल खेलना 2002 में शुरू किया और 2 साल के बाद उन्होंने पहली नेशनल टूर्नामेंट खेली और इस साल वह इंडिया कैंप में भी सिलेक्ट हो गए। लेकिन हाइट कम होने के कारण मुर्गी को नाकामयाबी हाथ लगी और 2007 में साई वेस्ट जोधपुर में सिलेक्ट हो गए और 2 साल बाद 2009 में नेशनल हैंडबॉल एकेडमी भिलाई में सिलेक्ट हो गए और अपनी शानदार परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल में शानदार खेल दिखाया। लेकिन इसी बीच उनकी लाइफ का कभी न भूलने वाला दिन आया और एक टूर्नामेंट के दौरान उनके घुटने का लिगामेंट टूट गया, जिससे वह काफ़ी निराश और हताशा हो गए और 2010 में वो सभी डॉक्टरों के पास इधर से उधर भटकते रहे। आखिरकार 10 मार्च 2011 को हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर जोशी के पास लिगामेंट का ऑपरेशन करवाया। इसके बाद उनके सामने दोबारा फिट होना एक चुनौती थी और इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी मेहनत शुरू कर दी। वो रोज़ सुबह 4 बजे उठते, साइकिलिंग, जिम और एक्सरसाइज करते। इसी तरह उन्होंने 1 साल तक मेहनत करके अपने आप को दोबारा फिट किया और नेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद इंडियन नेवी में सिलेक्ट हो गए। 2015 में सर्विसेज टीम में सिलेक्ट हो गए और फिर केरला में हुए नेशनल गेम में सबसे ज़्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। इतनी कम हाइट होने के बाद भी अपनी एक शानदार पहचान बनाई। इस खिलाड़ी ने आज इंडियन नेवी में पीटी ऑफिसर की पोस्ट पर हैं। तो दोस्तों, ये थी मुर्गी की लाइफ के बारे में कुछ बातें। अगर आप भी किसी स्टार खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द ही उनकी बायोग्राफी भी आपको बना के देंगे। धन्यवाद।